भागो भागो भागो, ये देखो ये पीछे से आ रहा है, ये सीढ़ियां तेरे अभेश्वर माता की सीढ़ियां। चाय कैसी है? बहुत बढ़िया है। वैसे समोसा कहां है? तो पहले ये क्या कर रहे हो भाई? ये छोटा भैया है। ये बैग ले लो यार, मैं परेशान हो गया यार। ये बीकानेर मॉल में पहली बार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम गाइज, कैसे हो आप सभी? आई होप सब मस्त मजे में होंगे गाइज। और एक नई वीडियो, एक नए व्लॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम जा रहे हैं बीकानेर और दिल्ली सरायला ट्रेन में बैठे हैं। सुबह सुबह 7:55 भी यहां से चलेगी, अभी शायद होने वाला है टाइम। और मेरे साथ जा रहे हैं मेरे सोहेल और आपके सबके प्यारे मोइन डांसर। थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद देखते हैं आज का रास्ते का जर्नी कैसा रहता है। काफी दिनों बाद दिल्ली सरायला ट्रेन में सफर कर रहा हूँ और ट्रेन के बारे में आपको बहुत ज्यादा व्लॉग देख लिए होंगे मेरे चैनल पे। इस ट्रेन का व्लॉग आपने बहुत बार देखा होगा, स्पाई वगैरह तो एकदम ओके रिपोर्ट है। ये हमारी सीट, अभी आपको टॉयलेट रिव्यू करवा देते हैं दिल्ली सरायला ट्रेन का। तो चलिए पहले टॉयलेट रिव्यू कर देते हैं। हमेशा की तरह हम पहुंच चुके हैं टॉयलेट रिव्यू करवाने के लिए। इस तरफ पीने का पानी और इस तरफ ये तो आपको पता ही है काफी खूबसूरत होता है, स्पाई वगैरह यहाँ पे हमें मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे पानी चल रहा है कि नहीं चल रहा? पानी चल रहा है, ठंडा है बिल्कुल। और बाकी देख लीजिए, ये है फर्स्ट टॉयलेट। ये गाइज अंदर का टॉयलेट रिव्यू कुछ इस तरह से। हमेशा की तरह मैं साफ सफाई के बारे में बताता ही रहता हूँ आपको कि दिल्ली सरायला ट्रेन में बहुत ही खूबसूरत सिस्टम होता है। साफ सफाई के मामले में एक नंबर ट्रेन है भाई। मैं इसको पॉइंट भी दूंगा 10 में से 10, क्योंकि मेरी ये फेवरेट ट्रेन भी है और अच्छी भी है गाइज। क्योंकि टॉयलेट वगैरह रिव्यू हमारा हो चुका है, अभी आपको बाहर का स्टेशन का नजारा कुछ दिखा देते हैं थोड़ा सा। श्री गंगानगर स्टेशन देख सकते हो, खूबसूरत स्टेशन है। सर्दी काफी ज्यादा है गाइज, क्योंकि ये धुंध भी देख सकते हो आप, बदलर हो चुका है सब। स्टेशन का रिव्यू, दिल्ली सरायरोला ट्रेन और श्रीगंगानगर स्टेशन। गाइस हमारी ट्रेन चल पड़ी है, आपको बाहर का थोड़ा सा डिपार्चर एरिया दिखा देता हूँ। बहकी सभी जुबां है हम है। तो भाई जक्का भी भाई बीकानेर का देखने लाग रहे नहीं, बागड़ी मांगा क्या? कोई बात को नहीं, बागड़ी मांगा तो बागड़ी भी लोग देखे ही है। जक्का भी भाई बीकानेर का लोग मेरा व्लॉग देखा है तो बीकानेर स्टेशन पर आके मेरे मिल सके आज साथ, मतलब मेरे भाइयों के साथ। पहला ये ट्रेवल है जब हम कभी बाहर जा रहे हैं, अपने शहर में घूमे हैं वैसे तो तीनों साथ में, लेकिन आज पहली बार आउट ऑफ शहर जा रहे हैं। तो गाइज कैसा लग रहा है आपको ट्रेन में सफर करके? अच्छा लग रहा है। कितने टाइम बाद? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने 3 साल बाद अब ट्रेन में। मैं तो अभी पिछली बार जयपुर गया था, तभी ट्रेन में गया था लगभग 3 महीने पहले। अच्छा, तो कुछ नया नहीं है मेरे लिए। आपके लिए कितने टाइम बाद हो रहा है ये सफर? 3 साल। 3 साल बाद ट्रेन में सफर कर रहे हो? हाँ। और दिल्ली सरायला में कितनी बार गए हो? पहली बार। मेरे साथ ही कहीं बाहर पहली बार ही जा रहे हैं, वैसे तो हम गंगानगर में ही घूमते रहते हैं, बाहर कभी गए नहीं। मैं तो अकेला बहुत बार गया हूँ आपको पता ही है, लेकिन इनके साथ पहला ये ट्रेन सफर है मेरा। टाइमटेबल की अगर मैं बात करूँ तो श्री गंगानगर से चलने का इसका टाइम है 7:50 सुबह सुबह, और यहाँ से ये पहुँच जाती है बीकानेर लगभग 1 बजे। श्री गंगानगर से 130 रुपए इसका मतलब किराया है लोकल डब्बे का, बाकी तो यार अलग सुविधा चाहिए तो वो अलग होगा सब कुछ। और 130 रुपए किराया है बीकानेर तक का यहाँ से, ये सबसे बढ़िया चीज़ है क्योंकि सस्ता ही है यार, इतना महंगा नहीं लगा मेरे को, क्योंकि बस में तो आपको पता है कितना ज़्यादा लगता है। हम तीनों का लगा है 390 रुपये मात्र। तो यार आप भी इसमें सफ़र करना चाहते हो तो कर सकते हो गाइज, बहुत ही अच्छी ट्रेन है। और कैसे गाइज हमारी दिल्ली सरायला ट्रेन अपने फर्स्ट होल्ट पर पहुँच चुकी है केसी सिंह स्टेशन, यहाँ से अभी चलने वाली है, थोड़ी देर बाद जाएगी सीधा कर्णपुर, वहीं पर रुकने वाली है इसके बाद। राइट टाइम पे पहुंच चुकी है दिल्ली सरायला राइशन है, और हमें मिल चुके हैं हमारे अजीज मित्र, जानते हैं आप इनको, फ्रेंड्स ले लियो तो बहुत ज्यादा बना रखे इन्होंने। और अभी आप कहाँ जा रहे हो आज? आज हम आए हैं दिल्ली से। आज दिल्ली से आए हो? अच्छा, और इनसे भाई आज मिले हैं, विनोद भाई साहब आज दिल्ली जाके आए हैं, क्या किस काम के लिए थे? दिल्ली में आधार सेंटर की कोई ट्रेनिंग। अच्छा, सी एस सी और आधार।
प्रोग्राम। आज सुबह सुबह आपसे मुलाकात हो गई, समझ लो यार बहुत बड़ा ही काम हो गया। बढ़िया, सोने में सोगा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और ठीक हो? हम जा रहे हैं बीकानेर। बिल्कुल बिल्कुल, बीकानेर का सफर है, सुखद यात्रा आपके लिए। अच्छा अच्छा, सो गाइस सर्दी बहुत है, माइंड आंसर भाइयो यार सर्दी बहुत ज्यादा है। अभी लगभग 10-15 आना है और सूरजगढ़ में पहुंच रहा। आ चुका है क्या चाय पी लेते हैं तो गाइस सूरतगढ़ के ठंडे ठंडे समोसे। चाय कैसी है? बहुत बढ़िया, वैसे समोसा ठंडा है, ठंडे ठंडे समोसे। गाइस थाना अब दिखावा दोरिया टिल्ला टिल्ला मोटर गड्डा सूरतगढ़िया। ए देखो देखो हमारी ट्रेन के नीचे पशु आ गया, इसलिए ट्रेन को रोकना पड़ा है। तो गाइस बीकानेर आ गए, हमने अपने बैग वगैरह पैक कर लिए वापस से, तो अभी चलते हैं उतरने के लिए। बीकानेर स्टेशन आने वाले हैं, आपको दिखाते हैं बाहर से थोड़ा व्यू। बीकानेर आ गया, बाहर। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 6 और हमें जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, उसके बाद हम जाएंगे उस तरफ, इसलिए हमें पहले चढ़ना पड़ेगा। तो वहाँ से आपको दिखाते हैं पूरा। तो भागो भागो, ये देखो ये पीछे से आ रहा है, सीढ़ियाँ कर रही है वैष्णो माता की सीढ़ियाँ। वो तो नहीं है पर बीकानेर स्टेशन की सीढ़ियाँ, ये जा रहे हैं ऊपर।
दोस्तों इस बार हम आपके लिए बीकानेर आए हैं बीकानेर व्यू करवाने के लिए, और हर बार हम भी चाहते हैं कि आपके लिए कुछ नई चीज़ यूट्यूब पे लेके आएँ, कुछ नया व्यू आपको दिखाएं, इसलिए हम आज बीकानेर स्टेशन आपको दिखा रहे हैं। बार बार काफ़ी दिन हो गए गंगानगर की वीडियो बना रहे थे, हम तो सोचा क्यों ना आज बीकानेर गया जाए और वहाँ की अच्छी चीज़ें आपको दिखाई जाए। तो हम 3-4 दिन आप बीकानेर में रहने वाले, पता नहीं क्या क्या दिखा पाएंगे वो तो आगे ही पता चलेगा। आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब प्लीज कर देना और लाइक कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना आपको पूरा व्लॉग कैसा लगा। पहले ये क्या कर रहे हो भाई? ये छोटा भैया है ये बैग ले लो यार, मैं परेशान हो गया यार। ये गाइस मेरे इतना वजन दे दिया छोटा बच्चे को ये क्या कर रहा है? अभी आपको दिखा देंगे ये सारी ट्रेनें, आप देख सकते हो यहाँ से व्यू कर सकते हो, इस तरफ से भी आप ट्रेन देख सकते हो, बीकानेर स्टेशन पे ट्रेन ही ट्रेन। चलिए चलते हैं मेट्रो स्टेशन वाली सीढ़ियाँ, वो नहीं ये भी यार मॉल वाली सीढ़ियाँ होगी। अपने आप जा रहे हैं, चलना नहीं पड़ता इन सीढ़ियों पे, आपको पता ही है। बीकानेर स्टेशन पे लगी हुई खूबसूरत सीढ़ियाँ, क्या कर रहे हो? वापिस ऊपर क्यों आ रहे हैं? क्या कर रहे हो? अबे गिर जाएगा, अबे क्या बोल रहे हैं, अबे कुछ नहीं होता। तो गाइस अभी हम चले हैं बाहर, देखते हैं बीकानेर स्टेशन के बाद बाहर का क्या चल रहा है। आप देख सकते हो गाइस कितना बड़ा स्टेशन है बीकानेर का, बहुत बड़ा स्टेशन है। और वैसे भी हम स्टेशन से बाहर आ चुके हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीजें जो कि हमारे राजस्थान को डेडिकेट करती है। क्या खूबसूरत चीजें बनाई गई है, तो गाइस अभी हम आ चुके हैं मॉल में, आपको दिखाते हैं बीकानेर मॉल, थोड़ा सा ज्यादा नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमें घूमना नहीं है ज्यादा। ये कपड़े वगैरह आप यहाँ से ले सकते हो, टेरिटो बीकानेर मॉल में पहली बार बीकानेर मॉल। ये शूज मॉल चेक करो यार। तो गाइस हमारा खाना पीना हो गया, अभी हम चलते हैं मार्केट के लिए और देखते हैं मार्केट व्यू कैसा रहता है आज का। दोनों भाई हमारे चलिए चलते हैं बाय ऑडी। तो गाइज अभी टाइम हो चुका है इस व्लॉग को एंड करने का, क्योंकि व्लॉग ट्रेवल का ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इतना ज़्यादा व्लॉग आप देखते भी नहीं हो इतना बड़ा। तो अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और नए हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। और भाइयों यार मैं हूँ बागड़ी आदमी, थाना बताऊँ जो कोई बागड़ी मन देखना आ रही हो तो माइंड ना करियो, हर एक वीडियो में बागड़ी थोड़ी थोड़ी आती रहेगी। और तड़का है बीकानेर सारो ट्रेवल कराऊंगा थाने, और अभी मैं हूँ चोपड़ा कटला पर, और थोड़ी देर बाद जब पहुँच जाऊँगा कैसे तो बाद में आपको मुलाकात कराऊंगा। बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।